नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में बड़ी घटना होती उससे पहले पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश भागने में सफल हो गया। सभी बदमाश क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से धारदार हथियार, तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। झांसी की सकरार थाना क्षेत्र में गश्त करते हुए पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को ग्राम लोहारी के पास 4 बदमाश नजर आए। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए फायरिंग की और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4था बदमाश भागने में सफल हो गया। तलाशी के दौरान पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचे और धारदार हथियार व कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस उच्चाधिकारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश बड़ा व्यापार करना चाहते थे, जिसके लिए अधिक रकम चाहिए थी। इसी कारण उन्होंने थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाई। इससे पहले वे अपने मकसद में कामयाब होते, पुलिस के हत्थे छड़ गए। जस्टिस झांसी महोदय के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी झांसी महोदय के पर्यवेक्षण में थाना सकरार पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की योजना बनाने व घटना धारित करने में 3 नफर अभियुक्तों को ग्राम लोहारी थाना सकरार से गिरफ्तार किया गया है। वह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।